तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप 2022 के अंदर फोन पे में एक नया अकाउंट बना सकते हैं, और फोन पे में अकाउंट बनाने के बाद कैसे आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है, कैसे आपको बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, और कैसे आपको अपनी UPI ID क्रिएट करनी होती है। वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में ही आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। स्टेप बाई स्टेप आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, यानी सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपको सिखा देने वाला हूँ। सो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और 2022 का एक धांसू और नया तरीका है जो अभी के टाइम पे आप बना सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे फ़ोन पे बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर चुका है। तो इसी वजह से मैं आपको लेटेस्ट वर्जन बता रहा हूँ 2022 के अंदर कैसे आपको फ़ोन पे अकाउंट क्रिएट करना होता है। सो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक अभी से कर देना, बाद में आप भूल जाते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो गाइस सब कुछ बताने के लिए आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के ऊपर टाइटल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में एक लिंक मिलेगा, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद आपको लेके आ जाएगा सीधा गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में से आपको फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसका सीधा ओपन करना है। हमने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका जो है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन आ रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर ध्यान वाली बात यह है कि आपके मोबाइल में ही वो सिम एक्टिव होना चाहिए। कंडीशन में ये है कि हमारे पास OTP नहीं आया है। अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो यहाँ पर लिख रहे हैं आधार लॉग ऑप्शन या लॉगिन ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऊपर का ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन विद OTP, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे 5 अंकों का OTP आपके सामने होगा और आपकी स्क्रीन पर होगा। यहाँ पर देखो 5 अंकों का OTP आ चुका है। यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, या अपने आपसे ऑटोकट ले लेगा। और ऑटोकट से लेने के बाद यहाँ पर अभी देखना है, यहाँ पर फोन पे अकाउंट आपका बन चुका है। तो बनने के बाद हमारा अकाउंट पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर आपको हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हो तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन रुकिए, अगर आपके पास यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन नहीं आता है तो ऊपर की साइड में आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हो, अपना फोटो लगा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है आपका किस बैंक अकाउंट में आपका खाता है, तो आपको यहाँ पर वही सिलेक्ट लेना है। जैसे कि अभी कंडीशन में हमारे पास पंजाब का है। अगर आपके पास कोई सा यहाँ पर नहीं आता है तो आप यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, जो भी आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर हम जैसे पंजाब को यहाँ पर सर्च कर लेते हैं तो आपके नंबर से वेरीफाइड कर लेगा कि आपका बैंक अकाउंट है भी या नहीं। तो अभी देखो हमारा बैंक अकाउंट आ चुका है और यहाँ पर हमने UPI इसका बना रखा है, लेकिन हम आपके सामने यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रीसेट UPI पिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के 6 डिजिट डालने हैं। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे कि ATM कार्ड के 6 डिजिट कौन से होते हैं। आपको ATM कार्ड के 6 डिजिट डालने के बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और OTP यहाँ पर अपने आप से फिलअप हो जाएगा। OTP आ चुका है, इंटर ATM पिन, आपके ATM कार्ड का पिन जो है जो आपने अपने मशीन में जहाँ भी बनाया होगा आपके याद होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर अपना ATM पिन लगाना है। आपको यहाँ पर टिक का जो ऑप्शन मिल रहा है राइट का, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है सेट UPI पिन, तो यहाँ पर आपको अपना UPI पिन सेट कर लेना है। 6 अंकों का बेहतरीन सा जो किसी के याद ना हो सको, क्योंकि अगर आपका ये UPIN बन जाता है तो इसी को डालने के बाद में ही आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं, यहाँ पर हमने लगा लिया है और टिक लगा देते हैं और फिर से लगाते हैं वही UPI पिन। और अब आपको कर देना है यहाँ पर राइट। राइट क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो UPI पिन सक्सेसफुल रिसेट हो चुका है, तो यहाँ पर डन करते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पर जुड़ चुका है बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अगर आपके एक अकाउंट से ज़्यादा
और भी अकाउंट है तो आप यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट इस पर क्लिक करके और भी अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं इजीली, ठीक है ना। आपके एक ही नंबर पर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको फोन पे वॉलेट अगर आपको यूज़ करना है तो टॉप अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपसे इनसे केवाईसी पूछा जाएगा। तो अगर आपने इसकी केवाईसी नहीं की है तो बेसिक सी नॉलेज है, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड के नंबर डालकर आपको इसकी केवाईसी कर लेनी है, आप इसके वॉलेट भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पर हम बैक आ चुके हैं। अब आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ से वीडियो को लाइक कर देना हो आप भूल जाते हो, और यहाँ से आपको नीचे जो लाल बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, और बेल का जो नोटिफिकेशन आ रहा है इस पर आपको ऑल कर दो, और यहाँ से नीचे कॉमेंट आ रहा है और कॉमेंट में आप कुछ भी लिख दो, आप अपना ओपिनियन कुछ भी लिख दो। यहाँ पर आपको लिखने के बाद यहाँ पर आपको ये सेंड कर दे। तो पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। टू मोबाइल नंबर, अगर किसी बंदे के मोबाइल नंबर पे आपको पैसा डालना है तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर बंदे का मोबाइल नंबर लगाना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लगाने के बाद अब आपको आपको कितना अमाउंट भेजना है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर 100 रुपीज़ भेजनी है तो यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद अब आपको वो UPI पिन लगाना है जो आपने वहाँ पर बनाया था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वो UPI लगा देना है और यहाँ पर नीचे राइट कर देना है। राइट करने के बाद यहाँ पर आपके सक्सेसफुली चले जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो यहाँ पर फेल हो जाएंगे, जैसे कि अभी की कंडीशन में हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो ये फेल हो चुके हैं। फेल की भी आपकी ट्रांजेक्शन यहीं पर दिखाएगा, जितने आपने पैसे भेज रखे होंगे वो सब चीज़ यहाँ पर आपको शो कर देगा, ठीक है ना। अभी बैक आते हैं। तो अगर आप चाहते हो किसी बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना तो यहाँ पर टू बैंक UPI, यानी अगर आप चाहो तो UPI ID भी डाल सकते हो। UPI ID क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डाल दें ये UPI ID है और इस पर क्लिक किया हमने, और अब आप कितना अमाउंट भेजना चाहते हैं इस बंदे को वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे आपको सेंड का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अब आपसे फिर से वो 6 अंकों का OTP पीछे UPI पिन पूछा जाएगा तो आपको वही डाल देना है और आपको अमाउंट भेज देना है। तो अभी हम बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है टू सेल्फ अकाउंट, यानी अगर आपके एक अकाउंट से दो कई अकाउंट हैं, यानी एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप दूसरे अकाउंट से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यानी अगर आपके दो अकाउंट हैं, मान लो एक पंजाब का है और एक स्टेट का है, आप स्टेट वाले से आप पंजाब में लेना चाहते हैं पैसा तो वो आप इजीली यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हैं। आप कौन से बैंक में से लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट लेना है, यानी अपने यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पर ऐड है तो इसी तरीके से आपको वो पहले ऐड करना होगा। यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन और मिलता है चेक बैलेंस। अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है चेक बैलेंस पे, और यहाँ पर आपका अकाउंट आ जाएगा जो जो आपने लगा रखा है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको अपना UPI पिन लगा देना है, और UPI पिन लगाने के बाद यहाँ पर आपसे देखो यहाँ पर हमने UPI पिन लगाया और अब आपका अमाउंट यहाँ पर शो कर देगा कितना अमाउंट है। यहाँ पर हमारे पास 0 है तो हम डन कर देते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ यहाँ पर आपको देखो नीचे कितनी फैसिलिटी मिल रही है, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, DTH रिचार्ज यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है कि हमने पैसा कब कहाँ पर कितना ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पर नीचे की साइड में आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कि आपको कितना पैसा कहाँ पर अमाउंट हो रखा है, यानी कितना पैसा कहाँ पर आपको रिसीव हुआ है और कहाँ पर पेड हुआ है। यहाँ पर स्टोर पे क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन इनके आपको चक्कर में नहीं पड़ना। आपको ऊपर की साइड में जो प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, नीचे का आपको वॉलेट का जो ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हो और वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसमें अकाउंट बनाया जाता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर आपको माई UPI ID, अगर आपको UPI ID जाननी है तो यहाँ पर आपको UPI ID मिल जाती है कि आपकी UPI ID क्या है, वो यहाँ पर आपको शो हो जाती है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फ़ोनपे के अंदर नया अकाउंट बनाया जाता है और किस तरीके से ये काम करता है। सो मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप फ़ोनपे अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड कीजिए, आपको कैशबैक मिलेगा और मुझे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।